सो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट के बाद में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और इस एडमिशन प्रोसेस में आपको पता है सबसे पहले आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट आया और मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आया। अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आपको पेमेंट करना होता है, फिर कॉलेज जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन कंप्लीट करना होता है। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए कॉलेज जाएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। जैसे सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट ये प्रॉब्लम है कि अभी तक आपका 12th का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया, वैसे सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है। और अगर आपके पास CLC नहीं है, माइग्रेशन है, तो क्या करना है कि आपका एडमिशन हो जाए बिना डॉक्यूमेंट का भी। तो ये वीडियो आपके लिए है इस प्रॉब्लम को लेकर के। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चैनल के माध्यम से मिल सके। चीजों को समझाएंगे, सबसे पहले आपको बता दे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो अपना अलॉटमेंट लेटर है, अलॉटमेंट लेटर के नीचे डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा होता है कि विच डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन एट द काउंसलिंग एंड एडमिशन, यानी एडमिशन के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। इसमें से एप्लीकेशन फॉर्म है पटना यूनिवर्सिटी का, तो ये तो आपके पास होगा, कोई शक नहीं है। अलॉटमेंट लेटर ये वाला आपका है, ये भी आपके पास हो जाएगा। पेमेंट रिसिप्ट के बारे में, पेमेंट रिसिप्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, अभी पेमेंट फंस रहा है, मतलब अभी आप पेमेंट नहीं कीजिएगा। पेमेंट करने का जो काम है ये आज रात से सही से प्रॉपर हो जाएगा। अभी जो पेमेंट का प्रोसेस है, अगर आप पेमेंट करते हैं आपका पेमेंट कट जा रहा है, पेमेंट अपडेट नहीं हो पा रहा, मतलब रिसिप्ट जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पेमेंट आज रात से आप करना, पेमेंट अभी ठहर जाइए, ठीक है, पेमेंट आप रात से करना। तो पेमेंट रिसिप्ट एक आपको चाहिए, तो पेमेंट रिसिप्ट जब आप पेमेंट कीजिएगा सक्सेसफुल आपका पेमेंट हो जाएगा तो आ जाएगा। और अगर आपका पेमेंट अनसक्सेसफुल हो गया तो वो वाला पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा, आप नया पेमेंट कर दिए। लेकिन नया पेमेंट कब कीजिएगा, रात के बाद में। पटना यूनिवर्सिटी कभी भी आपका एक्स्ट्रा पैसा नहीं रखती है, मतलब अगर आपका पेमेंट दोबारा हो गया तो एक पेमेंट आपका उसी अकाउंट पर रिटर्न हो जाएगा। इसलिए लगातार मैं बताता हूँ, अपना जो एडमिशन का पैसा है वो खुद से अकाउंट से देने का ट्राई कीजिए, या कि अगर आपके पास वो ऑनलाइन का सेटअप नहीं है तो अपने आस पास कोई ऐसे ट्रस्टेबल आदमी से पेमेंट कराइए, ताकि अगर पेमेंट रिटर्न कभी आए इन फ्यूचर में तो आपका पैसा रिटर्न कर सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखिए क्या आता है। मैट्रिक 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ DOB ओरिजिनल, यानी जो मैट्रिक का मार्कशीट है वो ओरिजिनल फॉर्मेट में आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ में तो ये वाला मैट्रिक का मार्कशीट भी सबके पास होगा ओरिजिनल में, प्रॉब्लम यहां से आता है, इंटरमीडिएट 10+2 मार्कशीट ओरिजिनल या डिजी लॉकर। अब प्रॉब्लम के बारे में यहां समझिए, देखिएगा बिहार बोर्ड वाला का जो, बिहार बोर्ड वालों का जो डॉक्यूमेंट है 10+2 का, मतलब हाल में जो 2023 का जो, ये जो 2024 का जो बोर्ड एग्जाम के बाद रिजल्ट आया, तो ये जो 12th का जो मार्कशीट है ये कल से कॉलेज स्कूल में बटना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ट्राई कीजिए, मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि आप पहले डॉक्यूमेंट कल अपना रिसीव कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप CBSE वाले हैं तो आपका डिजी लॉकर से तो आपका दिख ही जाएगा, और डिजी लॉकर है तो आपका चलेगा, ओरिजिनल का कोई जरूरत नहीं। तो CBSE वालों के लिए तो एक बैकअप प्लान है डिजी लॉकर वाला, लेकिन बिहार बोर्ड वालों के लिए कोई ऐसा बैकअप प्लान नहीं है। अगर वैसा बैकअप प्लान नहीं है तो आपके पास यही प्लान है कि आप अपने स्कूल से, जहां से भी आप पढ़े हैं 10+2 किए, वहां से आप अपना ओरिजिनल मार्कशीट को लीजिए। और ओरिजिनल मार्कशीट हर कॉलेज स्कूल में कल से बटना स्टार्ट हो रहा है, तो कल भर आप वेट कर लीजिए, कल आप जाकर के अपना पहले मार्कशीट को रिसीव कर लीजिए और इसके बाद लीजिए। और अगर ऐसा नहीं होता है कि आपका मार्कशीट आपके स्कूल में कल नहीं मिल पाता है या प्रॉब्लम है, तो जो आपका ऑनलाइन वाला मार्कशीट है, यानी ऑनलाइन वाला जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट पे उस स्कूल या प्रिंसिपल के जो टीचर्स हैं, मतलब जो प्रिंसिपल हैं आप जहां से 12th किए, उनसे वो सेल्फ अटैच्ड करवा लीजिए, मतलब उनसे उन पे साइन करवा लीजिए, मोड करवा लीजिए कि मार्कशीट अभी मेरे पास नहीं आया है, तो यही आपका ओरिजिनल है, ठीक है, वो एक फॉर्मेट में आपका बन जाएगा, ठीक है। वो एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते थे, नंबर को एडिट करके बढ़ा देते हैं, ठीक है, और सीट कैप्चर करते हैं। ये भी काम पटना यूनिवर्सिटी में होता है बहुत ज्यादा, ये कुछ फॉर्जरी वाला जो काम होते हैं ये भी कुछ कुछ काम हो जाते हैं, इसी को पकड़ने के लिए, इसी को रोकने के लिए वो ओरिजिनल का डिमांड करते हैं, ठीक है, क्योंकि सब तो ईमानदार नहीं है, ठीक है, आप ईमानदार है, आप अपने ओरिजिनल, मतलब आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप ऑनलाइन वाले डॉक्यूमेंट लेकर के चले आए, लेकिन ऑनलाइन वाले डॉक्यूमेंट को आज के टाइम में एडिट किया जा सकता है, इसीलिए वो इस चीज पे रोक लगाने के लिए ओरिजिनल का डिमांड करते हैं। तो 10+2 मार्कशीट का सॉल्यूशन बता दिया मैंने, क्या बताया कि आप जहां से 12th पढ़े हैं आप वहां से ओरिजिनल कल से बिहार बोर्ड में बटना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप रिसीव कर लीजिए। नहीं आपको कल से परसों तक में मिलता है तो कोई बात नहीं, जो आपका ऑनलाइन रिजल्ट आया उसको आप सर्टिफाई करवा लीजिए कहां से, जहां से आप पढ़ करके आए। और 10th का मार्कशीट तो सबके पास ओरिजिनल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और 12th का मार्कशीट CBSE वालों का तो डिजी लॉकर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, SLC CLC सर्टिफिकेट ओरिजिनल, यानी जो आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, जो TC है, वो आपका ओरिजिनल में चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जहां भी आप एडमिशन लेने के लिए कल जाइएगा वहां पे, मतलब जहां सेंटर पे, मतलब जिस भी सेंटर पे आप जाइएगा, चाहे आप BN कॉलेज जाए, पटना कॉलेज जाए,
चाहे पटना साइंस कॉलेज जाए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट एसएलसी सीएलसी नहीं है तो वहां पे एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म, ठीक है। तो अंडरटेकिंग फॉर्म आपको दिया जाएगा, आप उसमें टिक कर देना कि आपके पास सीएलसी नहीं है, बाद में ला करके जमा कर दीजिएगा। चलिए ये भी हो गया। अब आ जाते हैं सर्टिफिकेट रिलेटेड टू रिजर्व कैटेगरी, मतलब अगर आपका रिजर्वेशन है, जैसे कास्ट वाला मैंने बात बताया, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, बीसी वन है, बीसी टू है, फिजिकली चैलेंज है, ईडब्ल्यूएस है, तो इसका तो ओरिजिनल, इसका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट आज के टाइम में सब डिजिटलाइज्ड हो गया, मतलब वो सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना ही जाना है, ठीक है। मतलब बिना कास्ट के काम चलने वाला नहीं है, और आज के टाइम में कास्ट नाम का कोई ओरिजिनल चीज नहीं होता है, वो सीरियल नंबर से यूनिवर्सिटी वाले चेक कर लेते हैं, सीरियल नंबर भरते हैं कंप्यूटर पे, वो चेक हो जाता है कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। इसलिए जो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा वो वहां पे चेक किया जाता है, ठीक है। तो आप कास्ट सर्टिफिकेट के बिना तो एडमिशन होने वाला नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो जाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किए तो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। इसके बाद एफिडेविट फ्रॉम नोटरी फॉर द गैप ईयर सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप है किसी भी प्रकार का तो गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए, अगर गैप ईयर सर्टिफिकेट आपका नहीं बना रहेगा तो एडमिशन हो जाएगा अंडरटेकिंग पे, ठीक है। कहां कहां पे अंडरटेकिंग काम में आएगा ये मैंने आपको बता दिया कि इससे एसएलसी नहीं है हो जाएगा, गैप ईयर नहीं है हो जाएगा, एसएलसी तो आप अपने स्कूल से लीजिएगा। गैप ईयर के लिए मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि अगर आपके पास गैप ईयर अभी तक आपका नहीं बना हुआ है, मतलब अगर आप चाहते हैं गैप ईयर बनवाने के लिए, गैप ईयर आपका बन नहीं पाया है, तो गैप ईयर बनवाने के लिए आपके लिए फैसिलिटीज दे दी है कि आप इनसे कॉन्टेक्ट करके क्या कर सकते हैं, ये आप गैप ईयर आप बनवा सकते हैं, ठीक है। 8084675510 आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप अपना गैप ईयर सर्टिफिकेट क्या कर सकते हैं, घर बैठे बनवा सकते हैं। एवरेज जो एक्चुअल खर्च आता है गैप ईयर सर्टिफिकेट बनाने में, ये तकरीबन 350 से 400 के आसपास में आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट, आप खुद से भी बनवाने के लिए कहीं भी जाइए इतना खर्च आपका एवरेज आता है, ठीक है। तो गैप ईयर सर्टिफिकेट किसी भी आप नजदीकी कोर्ट कचहरी से बना सकते और नहीं तो फिर आप इनसे कॉन्टेक्ट करके भी बनवा सकते, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए इसके साथ में अगर बात की जाए आपसे यहाँ पे, इसके बाद चार रिसेंट फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ भी आपके पास हो जाएगा, फोटोग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं। और आधार कार्ड में आपका किसी भी प्रकार का मिसफॉल्ट हो, करेक्ट नहीं हो, डेट ऑफ बर्थ गलत है, नाम गलत है, एड्रेस गलत है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। आधार कार्ड बस इसलिए देखा जाता है कि आप इंडिया के हैं ना, आप जो एड्रेस भरे हैं फॉर्म में वो एड्रेस आपका है ना, कि एड्रेस कहीं और का भरे हैं और कहीं और के हैं, इसलिए वो इस चीज के लिए मांगा जाता है। तो डॉक्यूमेंट का मैंने बता ही दिया आपको, डॉक्यूमेंट का क्या सोल्यूशन है, इसके साथ ये भी मैंने बता दिया कि पेमेंट अभी आपको करना नहीं है, बाकी जो भी सारा प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स करते जाइए, कमेंट्स के रिगार्डिंग वीडियोस हम देते जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, इस वीडियो को एंड करता हूं, सो मच, थैंक यू।